Assalamu alaikum everyone. Welcome to Rise and Shine with Dr. Zoology. Dear students, thank you very much for your positive feedback. However, a number of students asked के मैंने सब कुछ तो बता दिया था एन नोट के लास्ट वाली वीडियो में, मास्टर एन नोट इन 33 मिनट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ. बट मैंने उस वीडियो में आपको जो है ये नहीं बताया कि मैनुअली हम रेफरेंसेस कैसे ऐड करेंगे. और कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन जो है पूछा है कि मैंने आपको साइंस डायरेक्ट, पबमेड, गूगल स्कॉलर और इसी तरह से टेलर एंड फ्रांसिस और वेले को एज सर्च इंजन कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं अपने लाइब्रेरी में, या कैसे वहां से हम ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस डाउनलोड करके ऐड करते हैं अपनी लाइब्रेरी में. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब ये पूछा है कि हिंदावी, MDPI और इसी तरह से जो दूसरे डेटाबेसेज हैं उसके हवाले से भी मैंने बात की थी, स्प्रिंगर वगैरह के हवाले से. बट मैंने आपको वहाँ पे बताया नहीं था कि कैसे वहाँ पे हम साइटेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी लाइब्रेरी में इंटीग्रेट या ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं कि मैनुअली हम रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं. तो एज यू कैन सी, ये मेरा थीसिस है GIS का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो मैंने किया है GIS इन रिमोट सेंसिंग में. तो इस थीसिस का जो साइटेशन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मैनुअली हमने ऐड करना है. तो मैनुअली ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं इस प्लस वाले निशान पे, कंट्रोल प्लस एन इसकी शॉर्ट की है. और इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने आपके आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से हम रेफरेंसेस मैनुअली ऐड करते हैं. बहरहाल यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये एक विंडो मेरे सामने ओपन होती है और इस विंडो में मैं रेफरेंसेस जो है वो ऐड कर सकता हूँ. अब सबसे पहले हमने रेफरेंस टाइप जो है वो चूज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने जो है ऑप्शंस आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग्स है, बुक्स है, बुक सेक्शन है, कैटलाग्स है, चार्ट टेबल है, क्लासिकल वर्क है, फिगर है, फिल्म आर ब्रॉडकास्ट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ग्रांट है, जर्नल आर्टिकल है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैगजीन आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, क्या है. तो यहाँ पे आप अपनी जो आप रेफरेंस ऐड करना चाह रहे हैं उसके हवाले से आप चूज करते हैं कि आपका जो ये रेफरेंस है वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं थीसिस ऐड करना चाह रहा हूँ तो थीसिस मैं चूज करता हूँ. अब थीसिस चूज करने के बाद यहाँ पे ऑथर का नेम जो है वो ऐड करना है मैंने. तो ऑथर का नेम जब मैं ऐड करता हूँ तो यू कैन सी कि मैंने सनाउल्ला जो है वो ऐड कर लिया. या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कामा और सना ऐड कर दूँ. तो कामा के बाद जो मैंने डाला है ये मेरा फर्स्ट नेम है और कामे से पहले जो मैंने डाला है ये मेरा लास्ट नेम है. अगर मैं सनाउल्ला डायरेक्ट डालना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ. अब ईयर की बात है कि ये जो थीसिस है ये कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ था, ये 2013 में ऐड हुआ था. अब हमारे पास यू कैन सी कि ये जो थीसिस है इसका टाइटल क्या था. तो टाइटल के लिए हमारे पास यहाँ पे हम इसका जो टाइटल है वो हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करके हमने उधर जाके पेस्ट करना है. तो यहाँ पे ये टाइटल जो है ये मैंने चूज कर लिया और चूज करने के बाद आके ये टाइटल मैंने इधर जो है पेस्ट कर दिया. अब मैंने पेस्ट किया तो यू कैन सी कि ये हमारे पास जो है कैपिटल लेटर्स में है. और वी कैन कन्वर्ट एट ए टू स्मॉल और वी कैन कन्वर्ट एट टू के पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो, एट्स अप टू यू. बहरहाल ये मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी. अब एकेडमिक डिपार्टमेंट में, एकेडमिक डिपार्टमेंट जो है हमारा वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड जियालॉजी, यहाँ से मैंने GIS किया था. तो ये मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे आके मैं इसको प्लेस करता हूँ या पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी से, या फिर राइट ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से मैं पेस्ट कर सकता हूँ. अब ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था, प्लेस कौन सा था, तो ये पाकिस्तान में मैंने जो है ये काम किया है. और अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन जियोलॉजी से मैंने किया था. तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर जो है वो पेस्ट कर दिया. और डिग्री के हवाले से अगर हम बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था GIS एंड रिमोट सेंसिंग में. अब अगर नंबर ऑफ पेजेस की बात की जाए तो ये मेरा जो थीसिस था इट वाज लाइक 74 पेजेस आई गेस, तो 74 मैंने डाल दिया. अब एडवाइजर का नाम भी आप डाल सकते हैं, बहरहाल अगर आप डालना नहीं चाहते तो आप नहीं भी डाल सकते. बहरहाल मेरा जो सुपरवाइजर था वो थे मोहम्मद
वकास जावेद। तो मैं मोहम्मद वकास जावेद साहब का नाम इधर डाल देता हूँ, और यहाँ पे डेट भी हम लिख सकते हैं, थीसिस टाइटल, शॉर्ट टाइटल। अगर आपको DOI यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इशू हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं, कीवर्ड्स भी आप डाल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी आप डाल सकते हैं। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल है किसी डेटाबेस पे, कभी कभार हम PhD का थीसिस या मास्टर का थीसिस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है या HEC के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है तो उसका URL हम देंगे। इसी तरह कौन से डेट पे आपने ये एक्सेस किया है, लेट से आज जो है हमारे पास 24th है, तो 24th नवंबर या 24th.नवंबर.2022। इसी तरह से हमारे पास जो है ट्रांसलेटेड टाइटल, अगर फॉर एग्जांपल ये किसी और लैंग्वेज से है तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आप लैंग्वेज की एंट्री कर सकते हैं जो कि हमारे पास इंग्लिश है। तो जब ये आप करते हैं तो इसके बाद आप फाइल में आके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, और Ctrl+S इसकी शॉर्ट की है उससे भी सेव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सेव करता हूँ और फिर इसको क्लोज करता हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पे 2013 उल्ला सना जो है ये मेरा थीसिस जो है ये ऐड हो गया, और रेफरेंस के नीचे आप देखें तो आपको थीसिस नजर आ भी रहा है। इस विंडो को इसी तरह से हम ड्रैग करते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है। अगर इसी तरह से आपने जो है किसी स्पेसिफिक उस पे काम किया है, क्या कहते हैं, और किसी चीज पे आपने काम किया है, आपने रीड किया है, तो यहाँ पे आके यहाँ से चूज करके आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा थीसिस ना होता और ये कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता या कोई मैगजीन आर्टिकल होता या फिर कोई सोशल मीडिया पोस्ट होता या कोई सीरियल होता या कोई टेलीविजन एपिसोड होता या वेब पेज होता, तो यहाँ पे आप चूज करते और बाकी उसी तरह से ही करते। फॉर एग्जाम्पल मैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चूज करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे वो चीज़ें जो है वो चेंज हुई है, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी थी वो पब्लिशर में कन्वर्ट हो गई। एंड यू कैन सी के अमूमन जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंटल, ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, तो कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा इशू है, और आप कौन से पेजेस की जो है बात कर रहे हैं, कौन कौन से पेजेस जो है वो आपने साइट किए हुए हैं, और गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है, कांग्रेस नंबर क्या है, एंड द थिंग गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, बहरहाल मैनुअली आप कोई भी जो है रेफरेंस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात के आपने पूछा है कि हम हिंदावी या MDPI या फिर स्प्रिंगर से कैसे ऐड करेंगे, तो ये स्प्रिंगर लिंक मैंने ओपन किया है और स्प्रिंगर के जर्नल आपको सामने नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे ये MDPI में आपको MDPI के जर्नल्स नजर आ रहे हैं, और इसी तरह से हिंदावी में आपको ये नजर आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बायोलॉजिकल साइंसेस क्लिक करता हूँ तो जितनी भी यहाँ पे ये जर्नल मुझे नजर आएंगे ये बायोलॉजिकल साइंसेस के होंगे। अगर मैं फिजिकल साइंस को क्लिक करता हूँ तो ये फिजिकल साइंस वाले जर्नल जो है वो मुझे नजर आएंगे, एंड द लिस्ट गोज ऑन लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं बायोलॉजिकल साइंस करता हूँ और अप्लाई फिल्टर करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो जर्नल्स होंगे वो सिर्फ बायोलॉजी के होंगे, बाकी बायोलॉजिकल साइंसेस के होंगे, बाकी जो जर्नल्स हैं वो निकल जाएंगे। इसी तरह अगर मैं सोशल साइंस और एजुकेशन की करना चाह रहा हूँ और अप्लाई फिल्टर करूँ तो सिर्फ एजुकेशन के सोशल साइंसेस के जर्नल जो है वो रह जाएंगे, बाकी निकल जाएंगे। बहरहाल हम बायोलॉजिकल साइंसेस पे फिल्टर ऑन करके करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ABCDEZ तक ये सब आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिस जर्नल में मैं काम करना चाह रहा हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि वो टी से स्टार्ट हो, तो ये आपको टी से डिफरेंट जर्नल जो है ये आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह से वी से आपको डिफरेंट जर्नल जो है नजर आ रहे हैं, बी से आपको डिफरेंट जर्नल जो है वो नजर आ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी जो जर्नल है इस पे जाके इसके डोमेन में कोई पेपर जो है मैं जो है साइट करूँ, तो ये फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है इन्फ्लेमेशन के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फ्लेमेशन वाला पेपर जो है इसको मैं साइट करूँ, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ से अपने पसंद का भी कोई पेपर आप सर्च कर सकते हैं विद इन द डोमेन ऑफ हिंदावी। बहरहाल मैं ये यहाँ से करता हूँ तो डाउनलोड साइटेशन आपको नजर आ रहा है, डाउनलोड साइटेशन पे क्लिक करें, RIS फाइल जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उस पर आप क्लिक करें और ये ऑटोमेटिकली जो है इंटीग्रेट हो जाएगा आपकी
लाइब्रेरी में। तो ये 2022 सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी का पेपर जो है इंटीग्रेट हो गया। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि हम एमडीपीआई की किसी जर्नल में जाके वहां से पेपर साइट करें, तो इसमें से कोई भी जर्नल जो है आप उठाए जो आपके मतलब रेफरेंस वाला जर्नल है, या आपके पास अगर कोई ऑलरेडी है टाइटल तो यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे एफिलिएशन डालें, ऑल जर्नल डालें, और अगर जर्नल का नेम आपको पता हो तो यहाँ से वो जर्नल का नेम चूज करें और सर्च का जो टैब आपको नजर आ रहा है इसको क्लिक करें। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि लेट से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस, इनका बड़ा हाईली एक्लेम जर्नल है, 6+ इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कोई जर्नल जो है, कोई पेपर जो है वो साइट करूँ। तो यहाँ पे ये पेपर आपको नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करते हैं तो साइटेशन एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो ये साइटेशन एक्सपोर्ट में आपको बिबटेक आ रहा है, यस साइट दिस पेपर या एंड नोट नजर आ रहा है, तो आ रहा है यस से भी हो सकता है, और अगर आप एंड नोट करते हैं तो ये एंड नोट वाला फाइल जो है ये डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाता है। बहरहाल एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपको जर्नल का नेम नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जर्नल का नेम जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको जर्नल का नेम जो है वो टाइप करना जो है इट्स इजी फॉर यू टू ठीक, अगर नहीं तो आप बेशक यहाँ से जो है इसका जो है जर्नल का नेम जो है ये इंटरनेशनल जर्नल मॉलिक्यूलर साइंसेज, ये कंट्रोल सी के साथ कॉपी करें और यहाँ पे आके कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करें, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका जो जर्नल है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल कंट्रोल एस करें और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो एमडीपीआई से हम इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह से आपने कहा था कि स्प्रिंगर के हवाले से भी बता दे, तो स्प्रिंगर की ये जर्नल्स की एक बहुत लंबी लिस्ट जो है ये आपको नजर आ रही है। अब इट्स अप टू यू कि आप कौन से जर्नल में जो है आप जाना चाह रहे हैं और कौन से जर्नल में आप जो है पेपर साइट करना चाह रहे हैं। अगर आपको पता है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। बहरहाल मैं लेट से ई में जाता हूँ, और ई में हमारे पास ये जो जर्नल्स हैं तो इनमें से किसी जर्नल के अंदर मैं जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, इसके अंदर मैं जाता हूँ लेट से, और यहाँ पे कोई पेपर है जो मैं साइट करना चाह रहा हूँ। तो अब हमारे पास इस जर्नल के अंदर भी आप जो है सर्च कर सकते हैं, ये बहुत हाईली एक्लेम जर्नल है, 12+ इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, तो आप यहां से भी कर सकते हैं अपना जो इशू वॉल्यूम जो भी है एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल ये इसका लेटेस्ट जो है इशू है जो पब्लिश हुआ है 2022 का। तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं कोई जो है पेपर जो है वो मैं करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये COVID-19 के डिसीज बर्डन के ऊपर नीदरलैंड की एक स्टडी है 2020 की, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये साइट करूँ। तो एज यू कैन सी कि मैं जैसे ही आता हूँ साइट दिस आर्टिकल के ऊपर, तो यहाँ पे डाउनलोड साइटेशन पे ऑटोमेटिकली मैं आ जाऊंगा। अब मैं डाउनलोड साइटेशन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये RIS फाइल जो है डाउनलोड हो जाता है, और इस पे क्लिक करने के बाद ये RIS फाइल जो है ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो ऑथर्स है जो भी है वो भी आपको सामने नजर आ रहे हैं। DOI नंबर, जर्नल का जो है ISSN नंबर, DOI नंबर, इसका वॉल्यूम, इशू, पेजेस। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर आपको 1035 से 1047 पेज पे मिलेगा, यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एंड इसी तरह से आप यहाँ पे आते हैं तो एंड नोट सेशन जो मैंने आपके लिए DOX जो जनरेट किया है उसमें इंटीग्रेट करके अब आपको बताऊंगा। ट्रेनिंग सेशन में आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस हो गया, और ये जो थीसिस मैंने मैनुअल, तो ये तीन डेटाबेसेस से, हिंदावी से, इसी तरह से जो दूसरे हमारे पास स्प्रिंगर है, और इस तरह से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी MDPI से, और ये थीसिस मैंने मैन्युअली जो है ऐड कर लिया। तो नाउ ये थीसिस में आप इंसर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहरहाल जिस फाइल में मैं काम कर रहा था वही फाइल मैंने ओपन किया है। लेट्स से मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ किसी रेफरेंस को, तो आपको दो तरीके मैंने बताए थे, दो तरीके आपको सिखाए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो काइंडली मास्टर एंड नोट इन 33 मिनट्स, जिसमें मैंने A to Z आपको एंड नोट के हवाले से सब कुछ बताया था। लेकिन
ये कुछ डेटाबेसेस थे जिससे मैंने रेफरेंस डाउनलोड करना नहीं बताया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछ लिया, तो यही रूल अब दूसरे डेटाबेसेस पे भी अप्लाई होता है, और वहां भी जाके आप इसी तरह से साइटेशन डाउनलोड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंडनोट डाउनलोड करते हैं तो आपका ये मेन्यू जो है यहाँ पे एड अप हो जाता है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक ये कि हम वर्ड से इंसर्ट कर सकते हैं साइटेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके यहाँ से मैं कोई भी अतर है, फॉर एग्जाम्पल ये मैकडोनल्ड वाला अतर है, ये मैं यहाँ से डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मैकडोनल्ड लिख दूंगा, मैकडोनल्ड, और एंटर कर दूंगा, तो एज यू कैन सी कि मैकडोनल्ड आ गया। इसको इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करें, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैकडोनल्ड एट आल 2022 आपके साथ ऐड हो गया। इसी तरह से मैकडोनल्ड वाला रेफरेंस जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली, चूंकि ये होता है तो अल्फाबेटिकली ये ऑलरेडी एडअप हो जाता है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और रेफरेंसेस जो है वो ऐड करता हूँ, तो अगेन लेट्स प्रैक्टिस इट अगेन, हम इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे लेट्स से मैं आमिर लफ्ज जो है ऐड करता हूँ, तो यू कैन सी कि पुराना रेफरेंस आमिर के नाम से यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई जो है रेफरेंस जो है वो ऐड हो, और ये रेफरेंस मेरे पास ऐड हो, तो आपको मैंने अल्ट प्लस F2, और यहाँ पे हमारे पास ये जो कोलोन वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये ऑप्शन बताया था अल्ट प्लस टू वाला, और ये इसके थ्रू मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्लिक करता हूँ, तो ये अल्ट प्लस टू क्लिक करने से, या ये जो इन्वर्टेड कामाज है इसको क्लिक करने से ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एन नोट लाइब्रेरी से यहाँ पे कोई फाइल इंसर्ट करूँ, तो एन नोट लाइब्रेरी पे जाके यहाँ पे मैं इस रेफरेंस को चूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये रेफरेंस मैंने ऐड करना है, और यहाँ पे अल्ट प्लस टू क्लिक करता हूँ, अल्ट प्लस टू, तो अल्ट प्लस टू क्लिक करने से ऑटोमेटिकली ये रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो गया। तो दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट योर रेफरेंसेस फ्रॉम एंड नोट और फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसी तरह से हम जो है अपने लाइब्रेरी से जो है रेफरेंस एड अप कर सकते हैं अपने थीसिस में, अपने रिसर्च आर्टिकल में, अपने रिव्यू आर्टिकल में। और ये डिफरेंट जो है हमारे पास हिंदावी या AI, MDPI या स्प्रिंगर वगैरह जो है उसके हिसाब से हम अपने रेफरेंसेस जो है ऐड अप कर सकते हैं। अब दीज डेटाबेसेस, अपार्ट फ्रॉम दीज डेटाबेसेस, हम जो दूसरे डेटाबेसेस है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, या कोई और हमारे पास जो है सोसाइटी है, या कोई और डेटाबेस है, फॉर एग्जाम्पल रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री है, तो उनकी किसी भी जर्नल में जाके आपको साइट का ऑप्शन इस तरह से नजर आएगा, या एक्सपोर्ट साइटेशन का जो यहाँ पे ऑप्शन था इस तरह से नजर आएगा, या फिर ये वाला डाउनलोड साइटेशन का ऑप्शन नजर आएगा, और वहां से आप जो है रेफरेंसेस एड अप कर सकते हैं टू योर लाइब्रेरी, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और वर्ड में यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल रही है, और आपके जो दो क्वेश्चंस थे मुझसे स्प्रिंगर हिंदावी MDPI के हवाले से और मैन्युअली रेफरेंसेस ऐड करने के हवाले से, वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द कटिंग एज नॉलेज एंड द कटिंग एज रिसर्च स्केल बाई फॉलोइंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।